गुड फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, मेरा नाम रुचि खंडेलवाल है और मैं इंदौर में अरबिंदो हॉस्पिटल में एडमिटेड हूँ। मैं कोविड पॉजिटिव थी। मेरा 85% लंग इन्फेक्शन था, लेकिन देखिए आज मैं बिना ऑक्सीजन के भी जी पा रही हूँ। क्यों जी पा रही हूँ? क्योंकि मैंने कभी हिम्मत नहीं की। मैंने कभी ये नहीं बोला लोगों से कि मुझे बीमारी है, मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, मुझे कोविड है। आप एक्सेप्ट ही मत करो पहली बार कि आपको कोविड है। आप समझ रहे हो? आप कभी भी ये चीज़ कभी किसी से मत कहो कि आपको बीमारी है, क्योंकि वो चीज़ आपके दिमाग में जाती है और आपको पागल कर सकती है। मैंने यहाँ पर अस्पताल में पिछले 5-7 दिन से, शायद उससे भी कम दिन से, मैं प्रोन वेंटिलेशन कर रही हूँ। प्रोन वेंटिलेशन मतलब ऐसे ये तकिया है, इस तकिए को हमने नीचे रख दिया। एक तकिए को हमने पैर की तरफ रख दिया और हम इस तरीके से पेट के बल उल्टा लेट जाए, ऐसे उल्टा लेट जाए, ठीक है? और डीप ब्रीदिंग कर, पेट के बल लेट कर डीप ब्रीदिंग, कैसे? ऐसे। कंफर्टेबली भी आप कर सकते हैं। क्योंकि हर बार ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं रहता हमारे पास, हर बार हमारे पास ऑक्सीजन की फैसिलिटी नहीं रहती। और अगर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तब क्या कर सकते हैं आप? उल्टा लेटकर पेट के बल ऐसे प्रोन वेंटिलेशन करके अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। मेरा ऑक्सीजन लेवल सुबह 80 के भी नीचे चले गया था, 79-78। उस वक्त ऑक्सीजन भी नहीं थी, तो उस वक्त मैंने क्या करा, तुरंत मैंने प्रोन वेंटिलेशन किया, ऐसे तकिया रख लिया और ऐसे उल्टा लेट कर पेट के बल। ऐसे इससे मेरा ऑक्सीजन लेवल आज दिन भर बहुत अच्छा रहा, 80 से 85 से 87, धीरे धीरे होगा 88 89 90 92 तक चले गया, 93 तक चले गया। एक बार मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं यहाँ पर ऑक्सीमीटर लगाकर और ऐसे प्रोन वेंटिलेशन करके, मतलब ऐसे ऐसे आपको अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ाकर बताऊंगी। चलिए, जीतिए इंडिया, आपको जीतना है और आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। मैं भी तो कोविड वॉरियर हूँ, मैं भी तो लड़ रही हूँ, हर पल मौत से लड़ रही हूँ। 85 से मेरा आज इन्फेक्शन 55 आया, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। तो आप सिर्फ पॉजिटिव रहिए लाइफ में। चलिए, बाय बाय इंडिया।